कल दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है, तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का, लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। और इस आदमी के बारे में बता सकता हूँ कि 9 तारीख को इसने जाने का प्रोग्राम बनाया दिल्ली, और फिर ये इसने 10 तारीख को पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा था टिकट। तो 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है, इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे, और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ते हैं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।